बिहार में माइंडलेस सरकार चल रही है। खैर, इस पर मसला इकट्ठा किए, किसी विधायक से कोई राय विचार किए हुए योजना बना दी जाती है और उसको लागू कर दी जाती है, जिससे पैसे का बर्बाद कहिए ज़्यादा बर्बादी होती है। तो मैंने जब पढ़ाई करके फाइनल किया तो मेरा ये सोच था कि मैं गांव में रह करके ये सेवा करूँगा। नमस्कार, मैं इंतजारुल हक, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। अभी चंपारण में खासकर नलकटिया विधानसभा के बंजरिया छावा दानों में बाढ़ है और हर तरफ हाहाकार है, परेशानी है। ऐसे हालात में जनप्रतिनिधि, सरकार व प्रशासन की क्या भूमिका है, आइए हम स्थानीय विधायक डॉक्टर समीम साहब से बात करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ चैनल को। सबसे पहले 26 मई में पहली बार बाढ़ आई, लगभग 4.5 महीना होने जा रहा है और ये सरकार वादा करती है कि अगर बिहार सरकार के खजाने पर अगर किसी का हक है तो आपदा पीड़ित का हक है, लेकिन ये कितना बेईमानी हो रहा है। मात्र 6,000 रुपये के लिए लोगों को दर दर की ठोकरें खाना पड़ रहा और अभी तक बंजरिया प्रखंड में लगभग 25% लोगों के खाते में पैसा गया है। आप वहाँ के विधायक हैं, क्या आपके स्तर से पहल हो रही है? मेरे स्तर से पहल लगातार हम लोग जारी कर रहे हैं, लेकिन खजाना चूँकि ऐसे आदमी के हाथ में है तो वहाँ से लग रहा है कि इन लोगों को अपने घर से देना पड़ रहा है। तो ये जो परेशानी है लोगों को, हैंड टू माउथ लोग हैं और उसमें 4-4.5 महीना से सबके घर में पानी लगा हुआ है, उसके बाद भी अभी तक 6,000 रुपये की राशि नहीं मिला, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। 4 माह से लोग परेशान हैं, सड़कें नहीं हैं, आवागमन बाधित है, कैसे चल रही है वहाँ की जिंदगी? और आप यहाँ के विधायक हैं, आपकी क्या पहल है विधानसभा के स्तर से लेके आपके एक जनप्रतिनिधि होने के नाते? तो लगातार विधानसभा में क्वेश्चन किया, पिछले 17 में जब बाढ़ आई उस वक्त भी हमने एक रोड वहाँ के लिए डिमांड किया था कि जब तक ऊंचा पथ नहीं बना करके सारे गांव को जोड़ा जाएगा तब तक हम इस बाढ़ से नहीं निपट सकते, क्योंकि बाढ़ आना है, उसके लिए कोई नहीं रोक सकता। लेकिन बाढ़ आने का हम परमानेंट इंतजाम यही है कि हम उस गांव को ऊंचे पथ पुल पुलिया के साथ जोड़ दें, क्योंकि बाढ़ भी आए तो लोग आसानी से आ जा सकें। ये मेरी पहल है और उस पहल का नतीजा ये है कि मैंने पहली बार जब विधायक बना 15 में, उस वक्त से लगातार लड़ाई लड़ते लड़ते एक पद मिला है और उसका शिलान्यास भी हो गया, अब कार्य भी शुरू होगा और उसका देखिएगा उसका फायदा आने वाले दिनों में। बाढ़ भी आएगा तो हम बंजरिया पूरा घूम जाएंगे। कहाँ से कहाँ तक बनेगी ये सड़क? ये सड़क NH 28 से चैलाहा गुमटी होते हुए जटवा घाट होते हुए गम्हरिया नहर फुलवार होते हुए रामगढ़वा तक बनेगी। 2 लेन है, कितने की लागत से? ये 93 करोड़ की लागत से है, 93 करोड़ की लागत, जिसमें पुल पुलिया की संख्या और बढ़ाने की जरूरत होगी तो और बढ़ाया जाएगा। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए और क्या क्या होनी चाहिए या सरकार के स्तर से या आपके स्तर से क्या क्या हुआ? बाढ़ के लिए लगातार पदाधिकारी हमारे बैठक करते हैं कि बाढ़ में हम कैसे अच्छे से अच्छे व्यवस्था करें, लेकिन कम्युनिटी किचन के नाम पर कैसे लूट खसोट जारी है, कहीं पे जहां ज़रूरत नहीं है वहां पे सूखा पैकेट जहां इंतजाम करके देना चाहिए था वहां इंतजाम नहीं हो पाता, क्योंकि 6,000 रुपया बंजरिया में मात्र 2 बैंक है या 3 बैंक है जो फुलवार और मोतिहारी में, और 6,000 रुपया निकालने के लिए जब सारा आवागमन बंद हो जाता है, नाव के सहारे कुछ नहीं होता है, तो 6,000 रुपया का क्या करेगा? तो उस वक्त ज़रूरत रहती है सूखा पैकेट सबके घर में भेजना, और ख़ास करके छावड़ा दानों में भी पुरानी तियर नदी और नए तियर नदी को जोड़ दिया है आधा पुल से, थोड़ा भी पानी आ रहा है
तो छावड़ा दानों में भी बाढ़ आ जा रहा है और बनकटवा में भी कई इलाकों में, निमोया में, निमोया पश्चिमी में, बगल में इनारवा फुलवार में भी फसल का बहुत नुकसान हुआ है। वहाँ तीनों प्रखंड हर जगह लोग अस्त व्यस्त हैं, तो इसको आकलन करा करके सही से सही उसका मुआवजा मिलना चाहिए। तो कब तक ये सड़क बन जाएगी? आप जो बता रहे हैं चेल्हा से जक्सौल को जोड़ने, तो जक्सौल जुड़ जाएगी, कब तक ये बनने की उम्मीद है? जटवा घाट से NH 28 से जटवा घाट होते हुए फुलवार और रामघाड़वा जा करके जुड़ेगी। ये अब काम स्टार्ट हो गया, अभी भी रिपेयर का कार्य वही PWD ही करा रहा है, तो ये जल्द से जल्द जैसे पानी कम होगा इस पर काम स्टार्ट हो जाएगा। सड़कें जानलेवा बनी हुई है, रोज दुर्घटनाएं हो रही है बंजरिया में, पानी जहाँ कम हो रहा है वहाँ सड़कों की स्थिति काफी खराब हो गई है, इसके लिए क्या पहल हो रही है? पानी जैसे खत्म होगा सारे रोडों पर काम शुरू हो जाएगा, इसका पहल मेरे तरफ से भी पूरी जोर शोर से है। जैसे ही काम खत्म होगा हम लोग उसको करा करके युद्ध स्तर पर करा करके लोगों को, हम नहीं चाहेंगे कि इनसे तकलीफ हो। आप जनप्रतिनिधि के साथ विधायक एक डॉक्टर भी हैं और एक बड़ी सेवा आपकी रही है, यहाँ भी एक बड़ा इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कायम किया, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? मेन उद्देश्य ये है कि गांव में भारत देश है, उसमें बिहार राज आता है और इस राज्य में 80-90% लोग गांव देहात में रहते हैं और वहाँ गांव देहात में आप देखेंगे कि जो भी गांव से पढ़े लिखे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, मास्टर बने, इस गांव को छोड़ करके शहर का रुख कर लिया और जैसे शहर का रुख कर लिया लोग को बीच मझधार में छोड़ दिया, कोई इनको देखने वाला नहीं। तो मैंने जब पढ़ाई करके फाइनल किया तो मेरा ये सोच था कि मैं गांव में रह करके ये सेवा करूंगा और वहां के लोगों को सुविधा दूंगा, यही मेरा सोच था। सुविधाएं क्या क्या है यहाँ? हाँ, हर तरह की सुविधा है, सुविधा में कमी नहीं। लोगों की जान कैसे बचे उसके लिए जितना भी कदम उठाया जा सकता है उसके कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा उसको सहूलत मुहैया करा करके उसका इलाज सही से कराया जाए। यहाँ पे मरीजों का सबसे पहले कम लागत में, कम खर्च में अच्छा से अच्छा इलाज हो, यही मेरी सोच है पहले से और उसी आधार पर मैं काम कर रहा हूँ। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आपने खड़ा किया है और सारी सहूलतें हैं, किस तरह के मरीजों का बेसिकली यहाँ इलाज होता है? हर तरह के मरीज कोई कह करके नहीं आता है कि मेरा मरीज, डॉक्टर के ऊपर है कि उसका डायग्नोसिस जब होता है तब मरीज क्लियर होता है कि वो किस टाइप का मरीज है। ये जो आपके इलाके में बाढ़ आ गया, इसका मुख्य कारण आप क्या मानते हैं? मुख्य कारण ये है कि पूर्व के इंजीनियर हमारे हैं, हिमालय पहाड़ से जो भी नदियाँ निकलती है उत्तर से दक्षिण की तरफ निकलती है और हमारे पूर्व के इंजीनियर ने एक बहुत बड़ा नहर का निर्माण कराया जिसमें अरबों एकड़ जमीन लिया गया, पैसे का दुरुपयोग किया। जब उतना जो इनारवा ड्रोन भैंसा लोटन से ला करके यहाँ पूरे क्षेत्र में लाया गया और जैसे ही बाढ़ आता है, नदियाँ जब अपने उफान पर रहती है, ये सारे चारों तरफ पानी हो जाता है, पानी का दबाव आ करके उस नहर पे पड़ता है, नहर पे जैसे पड़ता है वहाँ से नहर जिस गांव के सामने टूटता है उस गांव को लेकर के पूरे एरिया में फैल जाता है। तो मुख्य कारण ये है, अगर उस वक्त नहर बनाना था तो नदी के पैरेलल बनाया गया होता तो इस तरह की कठिनाई कम होती और यहाँ पे नहर नदी का जो है सील्ड एक बार भी साफ नहीं होता, जो सील्ड भर जाने की वजह से पानी का जितना निकास हो जाना चाहिए था वो नहीं हो पाता, तो ये भी बहुत बड़ी कठिनाई है। तो ये दोनों बात जो आप बता रहे हैं, ये दोनों का समाधान तो सरकार के लेवल पर होना है। इसके लिए मैंने विधानसभा में कई बार क्वेश्चन लाया है और हमारे माननीय मंत्री जी, मैंने पिछले सदन में उठाया था इस मामला को कि छावड़ा दानों में पटवन नहीं हो पा रहा है, तो हमारे माननीय मंत्री जी ने दो पन्ने का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मेरा पटवन चल रहा है, जब तक कि बात ये थी कि 17 में जब बाढ़ आई थी तो इनारवा ड्रोन और रक्सौल के बीच में पूरा नहर ही अस्त व्यस्त हो गया था
और उसके बावजूद भी पदाधिकारी उनसे पटवन करवा रहे थे कागज पे। इस तरह की अंधभक्त के रूप में जो जमीनी हकीकत नहीं जानते हुए भी ये लोग गलत सलत जवाब देते रहते हैं। जनता समझ गई, जनता सब बात समझती है, लेकिन नुकसान उठाना भी जनता को ही पड़ता है। लेकिन सरकार, अभी हाई कोर्ट ने एक टिप्पणी की है कि बिहार में माइंडलेस सरकार चल रही है। मैंने अभी विधानसभा में स्वास्थ्य विभाग पर मैंने बोला कि इतने सारे 243 विधायक जब जीत करके आते हैं और उसे एक बार भी कोई बात पे चर्चा नहीं होती कि किनके क्षेत्र में क्या क्या मसला है, इस मसले को पहले इकट्ठा किया जाए, उसके बाद उस पर विचार हो, विमर्श हो, कैसे सुधार हो। तो ये बगैर इस पर मसला इकट्ठा किए किसी विधायक से कोई राय विचार किए हुए योजना बना दी जाती है और उसको लागू कर दी जाती है, जिससे पैसे का बर्बाद कहिए ज़्यादा बर्बादी होती है और उससे फायदा कम होता है। सरकार तो दावा कर रही है कि बाढ़ पीड़ितों को हम हर संभव मदद कर रहे हैं, हर पूरी योजनाएं चल रही है, क्या आप देख रहे हैं? चार महीना में अभी तक 6,000 रुपया नहीं दिया, इससे बड़ा प्रमाण क्या है कि बिहार सरकार क्या करना चाह रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बात की है फैजलपुर से। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।